हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर आप देखेंगे 15 एंड 16 पर। आपको पढ़ना है बेटा 14% थ्री डिजिट नंबर ऑन अबेकस, मतलब थ्री डिजिट वाले नंबर जो होते हैं उसको हम जो है अबेकस पर किस तरीके से जो है शो करते हैं, आज हमको यही पढ़ना है, देखना है। तो इसके लिए बेटा थ्री डिजिट वाले नंबर को आप एकस पर शो करने के लिए हमें जो है थ्री स्टिक आप एकस की जरूरत पड़ेगी। उसमें जो है 1, 10 एंड 100 तीनों का जो है उसमें स्टिक होगा और उसमें बीट के द्वारा हम जो है उसके डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं बेटा एग्जाम्पल के द्वारा किस तरीके से हम जो है किसी भी थ्री डिजिट वाले नंबर को अब एक पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट क्वेश्चन है हमारे ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर का नंबर है 536, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है बेकर पर। तो इसके लिए हमने बनाया कि थ्री स्टिक वाला ये आपको बेकर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला बेकर का बना लीजिएगा इस तरीके से, आपको बेकर यहाँ पर एक वन स्टेप है 10 और 100। आप चाहे तो इस नंबर को इसके नीचे आप राइट कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्या नंबर को राइट करने के लिए 536। ये हमारा नंबर है, इसी नंबर को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 536। ये थ्री डिजिट का नंबर आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। ये जो सीट है बेटा ये वन का प्लेस है, वन के प्लेस पर ये सिक्स है। तो हम वर्ल्ड वाले सिक्स में या नॉट में सिक्स बीट जो है यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से काम कर सकते होंगे आप 1, 2 के बाद यहाँ पर 3 जितना जरूरत है उतना आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है वन के डिजिट वाले स्टिक में रॉड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीट इसमें लगा दिया गया है। इसी तरीके से अब आगे नेक्स्ट का यहाँ पर 10 का डिजिट कितना है 3 है,
तो इसमें हम तीन बीट लगा दिए। इस तरीके से लिखिए वन टू थ्री। इस तरीके से यहां पर थ्री बीट हमने लगा दिया। अब उसके बाद बेटा पंडे के प्लेस पर आइए आप, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है जो हंड्रेड का डिजिट है, तो यहाँ फाइव होगा। काउंट करके यहाँ पर बनाएंगे वन टू थ्री। इस तरीके से आप फाइव डिजिट लगा देंगे तो एक जो है इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ नंबर को। इसी तरीके से आप डिजिट और आवेदन के द्वारा जो है यहाँ पर किसी भी थ्री डिजिट नंबर को आप शो करेंगे। यहाँ पर हमने जो है लिखा है वर्ष के डिजिट पर तो सिक्स डिजिट लगा दिया गया है, बना दिया गया है। यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है टेप के डिजिट पर, तो हमने टेप वाले से वाले रिकॉर्ड में वन टू थ्री थ्री यहाँ पर लिख सकते हैं, और हंड्रेड वाले फाइव में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट यहाँ पर बना दिया गया है। ये आपका आंसर है। इसको इसके कैंसर इस तरीके से आप देंगे, आप अबेकस बनाएंगे और उस नंबर को इस अबेकस पर नहीं करके करेंगे। आइए बच्चों हम लोग एसएससी और सेल्स के क्वेश्चन देखेंगे। आप मतलब उनको जो है ठीक से जो है फील्ड ब्लैंक कैसे करना है, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पर आपका वेक्टर किस तरीके से बना हुआ है, वन टू थ्री। यहाँ पर मान लीजिए आपका वन फिर यहाँ ब्लॉक बता रहे हैं
करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना है 100। तो सबसे पहले आप 100 वाले लॉट में इसको लगा रहा है कि 20 को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स बीट लगे हुए हैं 100 वाले में। तो 100 वाले बॉक्स में क्या चीज करेंगे बेटा, क्या चीज कर देंगे सिक्स। ये यहाँ पर नंबर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों टेस्ट वाले रॉड में यानी सिक्स में कितने बीट लगे हुए हैं 1, 2 ध्यान से काउंट करेंगे 1, 2 बीट है तो टेस्ट वाले नंबर कितने बात करेंगे 2। अब हम आगे बढ़ेंगे वन वाले में हमको चेक करना है वन वाले में आप इसको काम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कितने बिट्स लगे हुए हैं 5। तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे 5, 5, 1। इस तरीके से आप मेरे क्वेश्चन में आपको अब एक पढ़ना हुआ होगा और उसके बीट को आप काउंट करके उसके डिजिट को आपको राइट करना होगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे ठीक। और पहला क्वेश्चन आपको बताया गया कोई भी नंबर होगा उसको आप किस तरीके से जो है आप एकस पर रिप्रेजेंट करेंगे उस तरीके का नंबर आपको मिलेगा। और उसके बाद है बेटा आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन याद रखेंगे पेज नंबर आपका 16 पर एसीसी और दिया गया है। पेज नंबर 16 पर देखेंगे आपका एसीसी और सेल का बच्चों ठीक है उसको देखेंगे उसमें राइटिंग न्यूमेरल लिखा है राइटिंग न्यूमेरल राइटिंग न्यूमेरल जैसे यहां पर लिखा हुआ था 25 पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम लेते हैं राइट 20 25 in numerator in numerator 25 को हमको numerator में write करना है। तो 25 में क्या होता है 2 10 25 में यहाँ से ये होता है 2 10 +5 1 2 10 5 1 और इसको इसी के तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2 10 करके पर हो जाएगा आई आपका 1 करके पर हो जाएगा ये आपका न्यूमेरल टेंशन आई होता है। इस तरीके से आप इसको कोई भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरल में लेगा लिख लीजिए तो आप डायरेक्टली ये आंसर भी लिख सकते हैं या फिर इसको 10 और 1 में इस तरीके से सेपरेट करके तब उसके बाद इसको आप यहाँ पर ठीक है बच्चों। अब ऐसे प्योर सेल्स में आपका इसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे प्योर सेल्स में आपको क्वेश्चन दिया गया है ये ऐसे प्योर सेल्स आपका पेज नंबर 16 पर है बच्चों। ये जो नंबर दिए गए हैं वर्ड में इसको आपको न्यूमेरल में लिखना है
इन न्यूमेरल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको वाई डी आर टू यू फार एक्टिव writing the following number in numeral क्वेश्चन में आपने लिखे 115 ये जरिया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 515 का पता लगेगा 115 115 को बच्चों आप जो है किस तरीके से इसको जो है न्यूमेरल एंट्री में तो 115 में 1 आपका कहां होगा 115 पर होगा प्लस 15 में जो है 1 आपका 10 कितने पर हो जाएगा प्लस 15 पर इसी तरीके से क्वेश्चन को आप लाइक करेंगे और इसको सेपरेट करके लिखेंगे ठीक है एक्सपेंडेड फॉर्म में उसके बाद इसको कंबाइन करके आप अपने इसको न्यूमेरल के रूप में फाइंड करेंगे। आइए बच्चों होमवर्क हम लोग से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट करेंटली यहां पर आपको एक अभिकल्प सुना दिया है 1 10 100 गिफ्ट यहां पर लगे हुए हैं का और यहाँ पर आपको 100
क्वेश्चन नंबर राइट इज न्यूमेरल न्यूमेरल कितना है आपको 400 ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये एसएससी और सीएससी द्वारा का पेज नंबर 15 और 16 पर दिया गया है, इसको आप दोनों एसएससी और सीएससी कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। उसके बाद रेस्टियों बच्चों हम लोग यहाँ पर आपका कंप्लीटिंग सीजन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।